सदन को अवगत कराना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला जी को ना डिटेन किया गया है ना अरेस्ट किया गया है, अपनी मर्जी से अपने घर पर है। होम मिनिस्ट्री इज लाइंग इन द पार्लियामेंट दैट आई एम नॉट हाउस अरेस्टेड, दैट आई एम सिटिंग इन द हाउस इनसाइड ऑफ माय ओन विल। फारूक अब्दुल्ला जी अपने घर में है, ना हाउस अरेस्ट है, ना डिटेंशन में है, तबीयत भी अच्छी है और मौज मस्ती में है। आप जरा बात कर लीजिए। You think I will stay inside my house of my own will? नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज के दिन जम्मू कश्मीर के सबसे वरिष्ठ मुख्य धारा के पॉलिटिशियन फारूक अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उनको डिटेन कर लिया गया है, उनको हिरासत में ले लिया गया है। फारूक अब्दुल्ला जो कि 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे और फिलहाल संसद के सदस्य भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, उन्हीं के घर को उनके लिए जेल में तब्दील कर दिया गया है। जिस घर में दशकों से फारूक अब्दुल्ला रह रहे थे, अब वो घर उनकी जेल बना दी गई है। और पब्लिक सेफ्टी एक्ट उनके ऊपर ये कहकर लगाया गया है कि पब्लिक ऑर्डर यानी कि जो कानून व्यवस्था है, उस कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए पब्लिक ऑर्डर को ख़तरा है फारूक अब्दुल्ला के बाहर रहने की वजह से, और इसलिए उनके ऊपर ये एक्ट लगाना ज़रूरी था। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत आपको ये बता दें कि 2 साल तक बिना किसी ट्रायल के किसी भी व्यक्ति को डिटेंशन में रखा जा सकता है। हालांकि ये बताया गया है कि लोगों से मिलना जुलना वो अभी भी मिल सकते हैं, लेकिन जब भी उन्हें बाहर जाना होगा या किसी से मिलना होगा उसके लिए उन्हें परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ये देखिए कि जो व्यक्ति जो कि पिछले न जाने कई दशकों से, या कश्मीर की राजनीति को अगर शुरू से भी हम देखने की कोशिश करें तो कश्मीर की राजनीति के जो केंद्र में रहा जो व्यक्ति, आज उस व्यक्ति को से पब्लिक ऑर्डर को, कानून व्यवस्था को खतरा है। इसलिए भारत सरकार ने यह तय किया कि उनको उनके घर को जेल बना दिया जाएगा और उनके ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा दिया जाएगा। अब तक पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल, बहुत ही विवादित कानून माना जाता है और उसको ड्रेकोनियन कहा जाता है, यानी काफ़ी सख्त और रिजिड कानून है ये। ये अलगाववादियों पर, आतंकवादियों पर और वो लोग जो कि पत्थरबाजी करते रहे, यानी कि जो लगातार पत्थरबाजी में शामिल रहे लोग, उन पर अब तक लगाया जाता रहा। लेकिन अब जो है एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन घाटी का, उन पर ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया है। फारूक अब्दुल्ला उन लोगों में शुमार हैं जिनको प्रो इंडिया पॉलिटिशियन कहा गया, यानी कि वो उन लोगों में शुमार उनका कहा जाता है कि जो लोग ये मानते रहे कि कश्मीर का जो भविष्य है वो भारत के साथ है, वो एक तरह की ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता की वकालत ज़रूर करते रहे कि भारत के संविधान के तहत ही उन्हें एक तरह की ऑटोनॉमी चाहिए, एक तरह की आज़ादी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि भारत के अलावा कश्मीर का जो भविष्य है वो किसी और देश के साथ है। यानी कि भारत सरकार की, भारत राज्य की जो वकालत है घाटी में, वो लगातार जो पॉलिटिशियन करते रहे, बहुत मजबूती के साथ करते रहे, उनमें फारूक अब्दुल्ला का शुमार है। कहा जाए कि पिछले कई दशकों की राजनीति में सबसे बड़े नेता अगर जम्मू कश्मीर के हैं कोई तो वो फारूक अब्दुल्ला हैं। और आपको अगर इतना सब सुनकर हैरानी नहीं हुई तो आप ये सोचिए कि जब आर्टिकल 370 हटाने का फैसला 5 अगस्त 2019 को किया गया भारत सरकार के जरिए, उससे सिर्फ कुछ दिन पहले, उससे सिर्फ 2-4 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, जिनकी तस्वीरें भी अभी आप देख सकते हैं, उनके साथ मुलाकात हुई। यानी कि वो व्यक्ति जिसके साथ मुलाकात हुई प्रधानमंत्री की, क्या बातचीत हुई हम नहीं जानते, लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला दोनों ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके साथ मुलाकात की। और अब कुछ ही हफ्ते यानी कि 6 हफ्ते के भीतर ही ये शख्स इतना ख़तरनाक हो गया कि इसका बाहर घूमना पब्लिक सेफ्टी के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए, कानून व्यवस्था के लिए ख़तरनाक है। होम मिनिस्ट्री इज लाइंग इन द पार्लियामेंट दैट आई एम नॉट हाउस अरेस्टेड, दैट आई एम सिटिंग इन द हाउस इनसाइड ऑफ माय ओन विल। यू थिंक आई विल स्टे इनसाइड माय हाउस ऑफ माय ओन विल व्हाइल माय स्टेट इज बीइंग बर्नड, व्हाइल माय पीपल आर बीइंग एग्जीक्यूटेड इन द जेल्स, पनिश्ड इन देयर होम्स? दिस इज नॉट इंडिया दैट आई बिलीव इन। My India is a democratic India, secular India for all, whatever your religion, whatever your region. As soon as the gates will open, our people will be out. We will fight, we will go to the court. We are not gun runners. We are not grenade throwers. We are not stone throwers. We believe in peaceful resolution of things. If they want to murder us,
We are ready. My chest is ready. Fire here, not into my back. For I stood for this nation. देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की संसद में साफ तौर पर यह कहा, ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद फारूख अब्दुल्ला को किसी भी तरह की नज़रबंदी, हिरासत या डिटेंशन में नहीं रखा गया है। आप ये देखिए कि अमित शाह जो है बार बार जोर देकर क्या कह रहे हैं संसद में। मेरे स्पष्टीकरण के बाद भी बहुत सारे सदस्य कह रहे हैं फारूख साहब नहीं है, इसका दुख है, नहीं है। फारूख साहब है, है और अपने घर में है, स्वतंत्र है। वो यहाँ आना नहीं चाहते तो मैं जबरदस्ती नहीं ला सकता। ना हिरासत में है, ना नजरबंद है, ना कुछ है। फारूक साहब अपने घर में है और अच्छे से। मैंने 3 बार क्लियर किया मगर बार बार ऑपोजिशन ने मुद्दा कह रहा है फारूक अब्दुल्ला जी अपने घर में है, ना हाउस टेरेस्ट है, ना डिटेंशन में है, तबीयत भी अच्छी है और मौज मस्ती में है। आप जरा बात कर लीजिए, सदन को अवगत करा दिया। मैं रिकॉर्ड पर स्पष्टता करता हूँ, वो हाउस अरेस्ट में नहीं है। उनको नहीं आना है तो गन कनपट्टी पर रखकर बाहर नहीं ला सकते हम। तो क्या देश के गृह मंत्री झूठ बोल रहे थे पिछले 6 हफ्ते से? क्या वो गलत बयानी से काम ले रहे थे कि फारूख अब्दुल्ला जो अब तक डिटेंशन में थे वो उनके ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा दिया गया है? पूरे तौर पर जो है एक कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आता है, एक टकराव नज़र आता है कि जो अमित शाह ने कहा संसद में और अब जो तस्वीर हमें नज़र आ रही है। हमने देश के जाने माने वकील संजय हेगड़े से ये जानने की कोशिश की कि आखिर इस पूरे डिटेंशन का, इस कानून को मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के ऊपर लगाने के क्या मायने हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज वाइको साहब की पिटिशन थी कि उन्हें रिहा कर दिया जाए और अगर कोई ऑर्डर है जिसके तहत उन्हें डिटेन किया जा रहा है वो उसे प्रोड्यूस किया जाए। तो अब पिटीशन के सुनवाई के बाद उनके ख़िलाफ़ ये ऑर्डर जारी किया गया है कि उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाए। ये जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है उसके तहत पहले बहुत सारे लोग डिटेन हो चुके हैं कश्मीर में, पर आमूमन वो अलगाववादी और दूसरे ऐसे एक्टिविटीज़ में जो थे उनको डिटेन किया जाता था। पर अब फारूक अब्दुल्ला साहब के डिटेंशन के बाद मैं ये मानता हूँ कि शायद दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स भी फॉर्मली डिटेन होंगे, फॉर्मल ऑर्डर्स पास किया जाएगा, उन ऑर्डर्स को बाद में किसी कोर्ट में यानी जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में उन ऑर्डर्स को चुनौती दे दी जाएगी। और आइए अब उनसे ये भी जान लेते हैं कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट का इस पूरे मामले, पूरा जो राजनीतिक समस्या है उसके कानूनी पहलू को हम किस तरह से समझें और आने वाले दिनों में हमें क्या सूरत हाल नजर आएगी। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत कोई गुनाह साबित करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसलिए डिटेन किया जाता है ताकि सेफ्टी बरकरार रहे या कि कोई इलीगल काम ना चले। ऐसे डिटेंशंस को बाद एडवाइजरी बोर्ड अप्रूव करती है। उस समय अप्रूव ये डिटेंशन बोर्ड के सामने भी रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। अब मेरा मानना है कानूनन कार्रवाई लंबी चलेगी। ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट दूसरे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट्स के तरह ही है। पहले किसी अलगाववादी या बूटलेगर, गुंडा ऐसे लोगों के लिए बनाया जाता है, फिर पॉलिटिकल लीडर्स पर भी इस्तेमाल किया जाता है और ये सरासर गलत है। तो पार्लियामेंट में अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन या कुछ ऐसा लाया जाएगा तब शायद होम मिनिस्टर का कोई बयान आ जाएगा कि जो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा वो कैसा सत्य था और क्या उसमें कोई गलती थी या नहीं। तो भारत सरकार ने कोई आधिकारिक आंकड़ा हमें नहीं दिया है क्योंकि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर 5 अगस्त के बाद से एक वो बहुत गहरा
अंधा कुआं बन चुका है जहां से कोई सूचना नहीं पहुंच रही है। मुख्यधारा की मीडिया को आपने देखा है कि किस तरह से बिल्कुल सरकारी वर्जन को, एक बर्गर पिज्जा डिलीवरी की तरह सरकारी वर्जन को उठाकर भारत के नागरिकों तक, अपने दर्शकों और पाठकों तक वो पहुंचा रहे हैं। तो बहुत मुश्किल है जम्मू कश्मीर से इस वक्त कोई भी खबर को लेकर आना। भारत सरकार का आंकड़ा ये नहीं है, लेकिन जो एक फेयर असेसमेंट जिसे कहा जाए उसके मुताबिक करीब करीब 3,000, ये बाकायदा इंटरनेशनल मीडिया में पब्लिश हो चुका है कि करीब करीब 3,000 ऐसे लोग हैं जो फिलहाल बंदी बनाए गए हैं। इनमें पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, इसमें वकील हैं या वो छोटे मोटे कार्यकर्ता भी हैं जिनकी शायद इतनी हैसियत हो सकती थी कि वो 20 लोग भी अपने दम पर इकट्ठा कर सकें। हर वो व्यक्ति जिसको समझा भारत सरकार ने कि वो इस पूरे मुहिम में जो जिस तरह की पहल की सरकार ने उसके खिलाफ शायद 20 लोगों को इकट्ठा कर सकता है, शायद 5 नारे लग सकते हैं, उसको डिटेन कर लिया गया है। मैंने श्रीनगर का दौरा किया और इस होटल का, डल लेक पर मौजूद इस होटल का मैंने सेंटोर होटल का जायज़ा लिया और वहाँ पर मौजूद वो लोग जो कि अपने परिवार वाले जो अंदर बंद थे उस 5-स्टार होटल में, उसमें बंद थे, उन लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे थे। मैंने ऐसे कुछ लोगों से बातचीत की। तो आप ये देखिए कि सेंटोर होटल पे हम यहाँ मौजूद हैं, यहाँ दर्जनों की तादाद में अंदर पॉलिटिकल डिटेनीज हैं। हमने यहाँ से कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जिनके परिवार वाले यहाँ मौजूद हैं या उनके मानने वाले अंदर बंद हैं, लेकिन यहाँ पुलिस का और फोर्सेस का पहरा इस कदर है कि हर जगह से हमको हटाया जा रहा है और मना किया जा रहा है। नहीं तो आपके क्या रिलेशन में? हम तो पत्रकार जर्नलिस्ट हैं। तो मीडिया है, वो कौन है आपके? जो यहाँ पे तो दर्जनों पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वादी कश्मीर के मेन स्ट्रीम, जिन्होंने आज तक हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा है, जिन्होंने आज तक नारेबाजी की है, जिन्होंने आज तक टीका लगाया है, जिन्होंने आज तक भजन गाए हैं, वही लीडर्स सब हिंदुस्तान कहने वाले यहाँ पे आज कैद बंद में यहाँ पे मौजूद है। इस टाइम पूरी बात बताइए मुझे, कैसे कैसे उठा के ले गए? पुलिस आया, अगर नमाज जुमा के बाद उठाया पुलिस ने, फिर यहाँ लाया, फिर लगभग 10-15 दिन को मुलाकात नहीं दिया। कब की बात है ये? 9 तारीख को उठाया। अच्छा, अब आप क्या, आपको कुछ खबर लगी अंदर क्या हो रहा है? हाँ, अभी नहीं पता है। मतलब उनको ये बताया गया कि आपको ले जाया जा रहा है डिटेन करने के लिए, या उनको बताया गया उनका जुर्म क्या है, कोई बात हुई? नहीं, आई थिंक इट्स ए इलीगल डिटेंशन, दिस इज नॉट ए डेमोक्रेसी, समझ रहे आप? तो अभी तो आपके जो टॉप मोस्ट लीडर्स हैं वो भी जेल में ही हैं, मतलब वो भी डिटेन हैं, तो क्या मांग कर रहे हैं अभी आप सरकार से? दे शुड फ्री देम ऑल। देखिए, ऐसे हालात ठीक नहीं हो सकते। तो कश्मीर संकट के अब लगभग 6 हफ्ते गुजर जाने के बाद ये भी वक्त है कि हम इस बात का आकलन करें और इस बात का एनालिसिस करें कि आखिर आज हम कहाँ खड़े हुए हैं। जो कदम आज भारत सरकार ने उठाया है, इससे साफ तौर पर यह पता चलता है, अंग्रेज़ी में जिसे एस्केलेशन कहते हैं, कि इस पूरे मामले को दबाने की या इसको नीचे लाने की कोशिश नहीं, बल्कि और ज़्यादा इस मामले को ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है भारत की सरकार। क्योंकि अब ये जो PSA लगाया हुआ है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, अगर ये फारूक अब्दुल्ला पर लग सकता है, ये हर उस व्यक्ति के लिए चेतावनी है जो फिलहाल बंदी है जम्मू कश्मीर में और भारत के दूसरे हिस्सों में भी, क्योंकि वहाँ जगह कम पड़ गई थी, इतनी जेलें नहीं थी, इतनी प्राइवेट जो प्रॉपर्टीज़ भी सरकार ने किराए पर ली थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ भी ख़त्म हो गई, इसलिए भारत के अलग अलग हिस्सों में, उत्तर प्रदेश में कई जगह इन लोगों को बंदी बनाया गया है। हर उस व्यक्ति के लिए जो बंदी है या बंदी बनाया जा सकता है उसके लिए ये चेतावनी है कि इस तरह का ये एक्ट उसके ऊपर भी लागू हो सकता है। तो साफ तौर पर 6 हफ्ते बाद क्या वाकई हम ये मान लें कि आर्टिकल 370 हटाकर भारत सरकार ने जो कई दशकों पुराना जो मर्ज़ था जम्मू कश्मीर का, जो मसला कश्मीर था, क्या उसको हल किया या फिर इस मर्ज को ये दवाई देकर और ज्यादा बढ़ा दिया है? क्या घाटी में फिलहाल कोई ऐसा नेता मौजूद है मुख्य धारा का जिसके ऊपर भारत सरकार विश्वास करना चाहती है, जिससे वो बातचीत करेगी? ये पूरा जो पॉलिटिकल वैक्यूम है, ये हमें एक ऐसे डरावने अंधेरे दौर की तरफ ले जा रहा है शायद जहां से वापसी का कोई रास्ता ना हो। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।